हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिव्या। वेलकम टू अकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम सिक्स स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स का चैप्टर फोर्थ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ करेंगे। तो आज हम इस चैप्टर का इंट्रो करेंगे, जिससे कि हम इस इंट्रो में हम वो सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि आपकी आगे जो एक्सरसाइज होंगी उसमें होंगे। और आप ये जो पॉइंट्स मैं कवर करवाऊँगी, वो सारे पॉइंट्स जो हम एक्सरसाइज करेंगे आगे, उसमें ये सब पॉइंट्स आएंगे और आपको मैं ये सारे पॉइंट्स कवर कराऊंगी, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला है लाइन। तो लाइन क्या होती है? मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो ये एक लाइन है सिंपल सी। तो लाइन वो होती है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, वो हमारी लाइन होती है। ये हमारी लाइन है, ठीक है। इसका जो स्टार्टिंग और ये एंडिंग पॉइंट है, ये फिक्स नहीं है। हम इसे यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं और हम इधर से भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ये दोनों साइड से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारी लाइन है। नेक्स्ट है हमारी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट वो होता है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स होता है, वो हमारी होती है लाइन सेगमेंट। जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की और ये दो पॉइंट दिए, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो लाइन सेगमेंट में हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स होता है, हम इसे इंक्रीज नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा रे। रे क्या होती है? रे होता है जिसका हमारा स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है और जो हमारा आगे का पॉइंट होता है उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारा फिक्स पॉइंट है, ये हमारी रे है, ये हमारी रे, और इसे मैं इंक्रीज कर सकती हूँ। तो ये हमारी है लाइन सेगमेंट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट। तो पॉइंट क्या है? मैंने एक पॉइंट डाला, ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट है। ऐसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ और इस पर मैं कुछ पॉइंट डाल रही हूँ। ये मैंने पॉइंट डाले इस पर, अब मैं इन पॉइंट को नाम दे देती हूँ ए बी सी। तो ये भी क्या है? पॉइंट है। और ये भी पॉइंट है, तो इस पॉइंट को मैं नाम देती हूँ डी। कोई भी पॉइंट हम डाल दें और उसको नाम दे देते हैं ए बी जो भी, तो वो क्या है? पॉइंट। क्लियर? तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं? जैसे मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, या फिर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, या फिर मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, मैंने इतनी ये ड्रॉ की है लाइन्स। तो इसका जो ये पॉइंट होता है जहाँ ये मिलती है, जिस पॉइंट पे ये मिल रही है, कट कर रही है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होती है जो एक पॉइंट पर आके मिल जाती है। जैसे कि मैंने ये पिक्चर्स ड्रॉ की, तो जो लाइन्स ड्रॉ की है मैंने, ये एक पॉइंट पर आके मिल रही हैं, तो ये क्या है? हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसी के अंदर एक पॉइंट और है, ये पिक्चर ड्रॉ कर दी मैंने, या फिर मैंने ये पिक्चर ड्रॉ की, तो क्या आप इसे बोल सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है? तो ये हमारी लाइन है जो मैंने आपको बताया। हमारी लाइंस वो होती हैं जिसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। तो ये हमारी लाइंस तो हैं। तो मैं अगर इस लाइन को इंक्रीज कर दूं, मैंने इस लाइन को बढ़ा दिया, मीन्स ये कट कर रही है और ये हमारा पॉइंट बन रहा है, ठीक है, जो भी इसको हम नाम दे दें, तो ये क्या है? हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है। और हम इस तरह इसको भी बोल सकते हैं, ये भी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं तो। क्लियर? तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? मैं दो लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैंने दो लाइन ड्रॉ की, इसमें देखो डिस्टेंस भी है, इनके बीच डिस्टेंस है, और ये देखो इक्वल भी हैं, ठीक है। तो इनका पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनके बीच डिस्टेंस होता है
और इक्वल होती है ये, तो ये हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। मैं कुछ लाइंस और ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये मैंने लाइन ड्रॉ की, तो क्या इन्हें हम पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं? देखो मैं अगर मैंने इंक्रीज करूं, अब मैंने इंक्रीज किया इन लाइनों को, तो क्या हुआ? ये एक दूसरे को कट कर रही है, मींस ये पैरेलल लाइंस नहीं है। और मैंने आपको क्या बताया, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे के इक्वल होती हैं और उनके अंदर और सेम डिस्टेंस होता है, ठीक है? तो इसका पॉइंट दे विल नेवर मीट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से मीट नहीं करती। नेक्स्ट है दे हैव इक्वल डिस्टेंस, इनके बीच इक्वल डिस्टेंस होता है, क्लियर? तो नेक्स्ट है हमारा कर्व, तो पहले हम देखेंगे सिंपल कर्व। तो मैं रैंडमली कोई कर्व ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैंने कुछ भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है? और एक मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैंने एक पिक्चर ये ड्रॉ की, एक ये ड्रॉ की। तो ये जो हमारा ये इसमें कोई भी कट नहीं आया हुआ है, ये सिंपल है, ठीक है? और ये देखो जो मैंने ये ड्रॉ किया, ये टेढ़ा मेढ़ा ये कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, और इसमें कोई कट नहीं है, तो ये हमारा कौन सा कर्व है? सिंपल कर्व, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा क्लोज कर्व। तो क्लोज कर्व क्या होते हैं? ये मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की, तो मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था ड्रॉ करना, और मैंने उसको उसी पॉइंट पे लाके दूसरे पॉइंट पे इसको क्लोज कर दिया। अब ये देखो ये कर्व कहीं से ओपन है? नहीं है, ये पूरा कर्व बंद है, हर साइड से क्लोज है, तो ये कौन सा कर्व हो गया? क्लोज्ड, क्लोज्ड कर्व, ओके? तो नेक्स्ट है हमारा ओपन कर्व। एक पिक्चर मैंने ये ड्रॉ कर दी, एक मैंने ये ड्रॉ कर दी, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया और इसको इधर यहां इसको छोड़ दिया, मींस इसके जो पॉइंट्स हैं वो नहीं मिले, यहां से ओपन है और सेम ये भी इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है, तो ये कौन से कर्व हो गए? ओपन कर्व। तो इसमें क्या है, जो कर्व पूरी तरह से बंद होंगे वो हमारे कौन से कर्व होंगे? क्लोज कर्व। और जो कर्व किस जिस भी साइड से ओपन होंगे वो कौन से हो जाएंगे? ओपन कर्व। तो हम नेक्स्ट देखते हैं पॉलीगन्स और ट्राइंगल। तो बात हम पहले करेंगे पॉलीगन्स की। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स लाइन सेगमेंट से बनते हैं। किससे? लाइन सेगमेंट से। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट। तो मैं ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, एक ये कर दी, तो ये किससे बना, ये पिक्चर किससे बनी है? लाइन सेगमेंट से। ये लाइन और ये, तो ये हमारा पॉलीगन किससे बना है? लाइन सेगमेंट से। तो ऐसे मैं एक और ड्रॉ करती हूँ, ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, बट किससे? लाइन सेगमेंट से। ये लाइन से जो कि हमारी लाइन सेगमेंट है, क्लियर? ये मैंने ये पिक्चर ड्रॉ की और मैंने इसको ये शेप दे दी, तो ये क्या है? ये जो शेप आई है ये हमारी कर्व की शेप है, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट से नहीं बन सकती, तो ये है रॉन्ग है, ठीक है? तो मैं एक और ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो पिक्चर है इसको हम बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट से
बनी है, पॉलीगन। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रायंगल। तो सिंपली मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, मैं इसको नाम दे देती हूँ ए बी सी, ठीक है। तो अब आपको पता है ये क्या है, ये तो हमारी है साइड। ये चीज क्या होती है, ये होती है हमारी साइड। और जो हमारे ये पॉइंट होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, एंगल। और ये हमारी साइड्स होती हैं। तो इसे हम लिखते कैसे हैं, अगर मैं लिखूं साइड लिखूंगी तो ए बी साइड हो गई, बी सी साइड हो गई और ये ए सी साइड हो गई। अब ट्रायंगल, ट्रायंगल में जो ये होता है ये हमारा एंगल, तो मैं एंगल को कैसे लिखूंगी, एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल सी, ठीक है। और इसी में अगर मैं पूरा त्रिभुज को बोलूं, ये जो हमारा ट्रायंगल है इसको पूरा लूं, तो मैं लिखूंगी ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो हम ट्रायंगल को ऐसे लिखेंगे। तो एंगल को हम थोड़ा और समझ लेते हैं। तो एंगल, एंगल वो होते हैं जब एक कॉमन पॉइंट से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, किसी भी कॉमन पॉइंट से हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमारे एंगल होते हैं। जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये एंगल ड्रॉ किया, इसका कॉमन पॉइंट ये है, ओ हो गया, ये मैंने ड्रॉ की। तो जो हमारा कॉमन पॉइंट क्या है, ये है ओ। ओ से मैंने दो लाइन ड्रॉ की, जो कि मैंने बोला एक कॉमन पॉइंट से दो लाइन को ड्रॉ किया जाता है, वो हमारे एंगल होते हैं। तो ये ओ कॉमन कैसे है, मैं इसे एंगल पी ओ आर लिख सकती हूँ, ठीक है। और अगर मैं ऐसे लिखूं ओ पी एंगल ओ आर, हो सकते हैं। तो हमारे लास्ट रह गए हैं क्वाड्रिलेटर्स और सर्कल्स। तो पहले हम क्वाड्रिलेटर्स देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटर्स वो होते हैं, कोई भी शेप हो जिसकी फोर साइड होती है वो हमारे क्वाड्रिलेटर्स होते हैं। मैं पिक्चर ड्रॉ करती हूँ। ये मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की, इसकी फोर साइड्स हैं। एक पिक्चर मैंने ये ड्रॉ की, ये भी क्या है, इसकी भी फोर साइड है। तो ये हमारे कौन सी शेप्स हो गई, क्वाड्रिलेटर्स। क्वाड्रिलेटर्स है वही जिसकी फोर साइड होती है, कोई भी शेप हो बट साइड उसकी फोर होनी चाहिए, वो हमारे क्वाड्रिलेटर्स होते हैं। और इसमें एक पॉइंट और होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारी अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं, ये और ये सेम होगी। मैंने नाम दिया ए बी सी डी, तो मतलब अगर मैं ए बी इक्वल बी सी डी कर सकती हूँ, क्योंकि जो हमारी अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो इसी तरह मैं ए सी इक्वल बी डी लिख सकती हूँ, क्लियर। सो ये लास्ट है सर्कल, मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसके सेंटर में एक पॉइंट दिया। तो इस पॉइंट को क्या, ये सेंटर में ये पॉइंट है, इसको बोलेंगे सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है। और जो लाइन ड्रॉ की है मैंने, इस लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस। ये लाइन हमारी रेडियस होती है। और एक लाइन मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करूंगी जो इस पॉइंट को कट करेगी,
ये लाइन हमारी होती है डायमीटर। सो इसके साथ हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी टीचर्स डे।